हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकाडमी में। दोस्तों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था हिंदी में लिंग, और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं और वचन बनाने के कुछ नियम हैं, तरीके भी हैं, उन्हें हम आज देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज वचन, हिंदी का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं वचन। वचन की परिभाषा क्या होती है? तो वचन की परिभाषा जो होती है, डिफिनेशन होती है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या अथवा एक से अधिक के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं वचन, उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में हमारे वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसा कि इंग्लिश में होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो उसी हिसाब से हमारे हिंदी में है एक वचन और बहुवचन। एक वचन की बात करें तो एक वचन यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का ही बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि लड़का खेलता है, लड़का लड़का यानी कि लड़का खेलता है, तो लड़का कितना है? लड़का एक है, लड़का खेलता है। बकरी चरती है, तो बकरी की कौन कितनी है? बकरी एक है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे वचन यानी कि एक वचन में एक ही वस्तु का यानी एक ही व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। अब बात करें बहुवचन की, तो जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण, उदाहरण में है लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, जैसे बहुवचन का उदाहरण है लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। तो यहाँ पर लड़के कितने हैं? तो लड़के यहाँ पर बहुत से हैं, एक तो है नहीं, बहुत से लड़के हैं, तो हमारे कौन सा हो गया? ये बहुवचन हो गया। अगर दूसरा मान लिया जाए, इसमें बकरियाँ चरती हैं, बकरियाँ चरती हैं, तो बकरियाँ बकरियां यानी कि बकरियां बहुत सी हैं, एक तो है नहीं, बकरियां चरती हैं, तो ये हमारा कौन सा हो गया? तो ये हमारा हो गया बहुवचन। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे एक वचन और बहुवचन के होते हैं। तो कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं जिनको आज हम देखेंगे वचन बनाने के, जिनसे हम एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं, स्त्रीलिंग हो या पुरुषलिंग हो, कोई भी हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने वचनों की तरफ, वचन बनाने के नियम। ठीक है, पहली बात तो ये है कि कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे सामान्य अर्थ होते हैं जिनमें, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और क्या होता है? और तीसरा हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इन संज्ञाओं का यानी कि इससे जो शब्द बनते हैं उनको क्या होता है? ये जो शब्द होते हैं इनके बहुवचन नहीं होते हैं, इनके कोई बहुवचन नहीं होते हैं, बहुवचन नहीं होते हैं। ठीक है, किनके किनके? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई नाम है, जैसे राम, ठीक है, राम है, तो राम का रामे तो नहीं हो जाएगा ना, राम का जो है वो राम ही रहेगा। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा की, जैसे सुंदरता या सुंदर, तो सुंदर हो नहीं जाएगा, सुंदर है तो हो नहीं जाएगा। ठीक है,
सुंदरताएं, ये तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब द्रव्यवाचक की बात करें, जैसे सोना है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? सोना, ठीक है। सोना, सोना का तो सोने थोड़ी हो जाएगा, सोने नहीं हो जाएगा, सोना का सोना ही रहेगा। तो इन शब्दों के बहुवचन कभी होते नहीं है, ठीक है। इनका जो होता है वो एक वचन ही रहता है। अब कुछ नियम हैं हमारे, तो उन नियमों को हम देखेंगे, इसे साफ कर लिया जाए। अब जैसे एक हमारा नियम आता है अकारांत तुकारांत, तो आप जानते हैं आकारांत। आकारांत यानी कि जो शब्द के अंत में बड़ा आ जाए वो होता है आकारांत। अब वो हम लिखते हैं कि आकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, आकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें लास्ट वाले शब्द में क्या करते हैं? ए लगा देते हैं। आकारांत में, आकारांत शब्दों के, सॉरी ऐसे लिखते हैं, आकारांत शब्दों के आ में ए, आ में क्या करते हैं? ए लगा के बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्या होता है, हमारा घोड़ा है, ठीक है। घोड़ा ये आकारांत शब्द है, लास्ट में आ आया, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, इससे हम कौन सा शब्द बनाएंगे? ए लगा देंगे लास्ट में, घोड़े। ये ए लग गया, ठीक है, तो कौन सा हो गया? घोड़े हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब लिखते हैं दूसरा शब्द, दूसरा शब्द जैसे कौवा, ठीक है, कौवा। अब इसमें क्या करेंगे? ए लगा देंगे, यहाँ पर ए लगा दें तो कौवे, ठीक है, कौवे हो गया। अब दूसरा, अगर ऐसे ऐसे ही बहुत से शब्द हैं जितने भी आकारांत होते हैं, आकारांत जिनमें आ आता है उनमें ए लगा करके हम बहुवचन कहते हैं। नियम नंबर दूसरा है। अब हमारा दूसरा तरीका ये है, दूसरा नियम है कि जो अकारांत शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं? अकारांत जो स्त्रीलिंग होते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, शब्दों में आ की जगह है या आ के स्थान पर क्या लगा देते हैं? आ के स्थान पर हम लोग लगाते थे ए, तो क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे 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 क्या हो गया? आ है ना, आ के स्थान पर जैसे हम क्या करते हैं? शाम, शाम स्त्रीलिंग है ना, सामु। इसकी जगह पे क्या लगा दें? अकारांत है, सा और ए लगा दें तो क्या हो जाएगा? सा में, ठीक है, क्या हो जाएगा? सा में, ठीक। अब ऐसे ही दूसरा उदाहरण, बहन, बहन ये अकारांत है, इसमें ए लगा देते हैं अकारांत की जगह, आ की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? बहन ने, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आ के स्थान पर क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं, तो हमारा बहुवचन बन जाता है। अगला देखते हैं, आगे है हमारा नियम कि इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है, जो इकारांत यानी कि जो इसके लास्ट में क्या आता है? ई आता है, छोटी ई, इकारांत शब्दों, जैसे इकारांत शब्दों में, शब्दों के स्थान पर ई के स्थान शब्दों में ई के स्थान पर, ई के स्थान पर क्या लगा देते हैं? तो ई के स्थान पर हम लगाते हैं यों, यों लगा देते हैं, फिर क्या बन जाता है हमारा? कर बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन बनाते हैं। अब जैसे उदाहरण, अभिकारांत शब्द
ई हो गया, ठीक है, ई, और इसके स्थान पर क्या लगा देना, यू। अब जैसे ई का अर्थ कौन से, तिथि, उदाहरण की बात करें, जैसे जैसे थी, ठीक है, तिथि। अब ई वाला हमारा है क्या, इकारांत, इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, यू, तो ती थी यू, ठीक है, तिथियों, ठीक। अब ऐसे हमारा अगला उदाहरण है पंक्ति, पंक्ति, तो इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, इसके स्थान पर पंक्ति यू, ठीक। तो इस तरह की हमारे ये एग्जाम्पल हो गया। आगे देखते हैं अगला नियम, अगला नियम देखते हैं। अब जैसे अगला नियम हमारा है नंबर चार, नंबर चार क्या है, ई का रंग शब्दों में ई के स्थान पर क्या लगा देते हैं, ई का रंग, ई का रंग स्त्रीलिंग, ई के स्थान पर ई के स्थान पर क्या लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, लगाकर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे बात करें नदी, ठीक है, नदी, नदी में ई का रंग है ना, ई के स्थान पर क्या लगाएंगे, यहाँ, तो नदी का क्या हो जाएगा, नदियाँ, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग बहुवचन बनाते हैं। अब जैसे नदी, आगे क्या हो गया, बधाई, बधाई भी यही इसी में आता है, ई का रंग, बधाई, बधाई के क्या हो गया, बधाइयाँ, ऐसे बहुत से शब्द बनते हैं, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं। अगला नियम हमारा है, अगला नियम है, आगे क्या कहते हैं कि जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है, अकारांत में आ के स्थान पर क्या लगा देते हैं, या लगा देते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर, आ के स्थान पर क्या लगाते हैं, या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, या लगाकर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण, अब उसमें उदाहरण क्या है, अब उदाहरण जैसे ले लिया हमने डिबिया, डिबिया, ठीक है, सॉरी, अरे क्या लिख दिया है पे, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर या, मतलब अनुस्वार लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाता है हमारा, बहुवचन बन जाता है, डी बी, इसका क्या हो जाएगा, डी बी या, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा शब्द क्या होगा, गुड़िया, ठीक है, लास्ट में क्या है, अकारांत है ना, गुड़िया, इसको क्या कहते हैं, गुड़िया, ठीक है, क्या बनेगा, गुड़िया बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा हो गया। अब आगे आते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कौन से शब्द होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आगे जाति, वर्ग, लोग लगा करके हम लोग बहुवचन बनाते हैं। जैसे आगे देखते हैं, जैसे इनके शब्दों में आगे क्या आते हैं, लोग,
जन, वर्ग, वृंद आदि लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया हमने, कोई जैसे की बात करें, जैसे लोग, जैसे लोग, ठीक है। तो लोग क्या हो गया, तुम लोग, ठीक है। ये क्या हो गया, बहुवचन। जन की बात करें अगर तो क्या हो गया, भक्तजन, ठीक है। वर्ग की यह बात है तो क्या लगेंगे, जैसे दलित वर्ग, यानी कि वर्ग लगा करके बहुवचन बनाएंगे। वृंद, वृंद की बात करें तो आगे क्या हो गया हमारा, बाल वृंद, ठीक है, बाल वृंद। तो इस तरह के ये शब्द हम जो होते हैं इनको ऐसे बहुवचन बना लेते हैं, ठीक है। दिक्कत तो है नहीं, सब सिंपल ही है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तब तक के लिए यहीं पर विराम लेते हैं, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।